हमीरपुर स्थित एनआईटी परिसर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यही कारण है कि वहां पर कार्यरत कर्मचारी अपने आप को असहाय और ठगा सा महसूस कर रहे हैं और जिसके बदले में वे अपनी जान तक देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये बात सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने विश्राम गृह सुजानपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। विधायक राजेंद्र राणा इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जाँच की मांग करते हैं। हमीरपुर स्थित एनआईटी परिसर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यही कारण है कि वहां पर कार्यरत कर्मचारी अपने आप को असहाय और ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जिसके बदले में वे अपनी जान तक देने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये बात सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने विश्राम गृह सुजानपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि एनआईटी संस्थान में बीते दिनों में जो भी हुआ वह बहुत ही दुख की बात है। प्रदेश के कर्मचारी द्वारा अपने आप को खत्म करने का जो कार्य किया गया, इस बात की ओर इशारा करता है कि आज प्रदेश के कर्मचारी अपने प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। एनआईटी परिसर में जो घटना घटी है, विधायक राजेंद्र राणा इस पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश में चल रहा एनआईटी बाहर के लोगों से बढ़ रहा है। भर्तियों के नाम पर यहां धांधली हो रही है। एक ही समुदाय के लोग यहां पर भर्ती किए जा रहे हैं। मापदंडों को दरकिनार करके प्रदेश के लोगों की अनदेखी और बाहर के लोगों को यहां रखा जा रहा है। प्रदेश का पैसा बाहर के कर्मचारियों पर लुटाया जा रहा है। एनआईटी निदेशक द्वारा तमाम कार्य गलत तरीके से किए जा रहे हैं। एनआईटी के कर्मचारी पूरी तरह प्रताड़ित हैं और अपने आप को खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं। एनआईटी के कर्मचारी द्वारा जो भी खुद को खत्म करने का कार्य किया गया, इस पर पूरे मामले को कांग्रेसी सीबीआई जांच मांग करती है ताकि सच सामने आ सके। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस एनआईटी प्रकरण पर चुप नहीं बैठेगी। कर्मचारियों के साथ हो रहा अन्याय सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एनआईटी कर्मचारी इस मसले पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद हमीरपुर से भी मिले, लेकिन इस प्रकरण पर उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। शायद लगता है कि उन्होंने कानों में रुई डाल रखी है। विधायक ने प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूरे प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, ऐसा है कि एनआईटी के इशू को लेकर मैं पहले भी इस इशू को उठा चुका हूं और बहुत सारे लोग वहां के जो कर्मचारी हैं, हमीरपुर क्षेत्र के आसपास के लोग वहां पर काम करते हैं और जो तृतीय श्रेणी के और चौथी श्रेणी के जो है फोर्थ क्लास के जो एम्प्लॉइज हैं उनको बड़ा तंग किया जा रहा है। और इस बात को लेकर यहाँ के लोग जो हैं कि एनआईटी के जो डायरेक्टर हैं जिस तरीके से वो तमाशाही कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हमीरपुर के और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी हैं, उनसे भी लोग मिले हैं। और दूसरी शिकायत ये आई है कि एनआईटी में जो भर्तियाँ हो रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और लेक्चरार्स की, करीब 100 भर्तियाँ हुई हैं। ये सारी की सारी भर्तियों में 3-4 लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के रखे गए और बाकी की सारी भर्तियां जो हैं यूपी से की गई और ख़ास एक बरादरी के लोग वहां पर रखे गए। 38 के करीब या 36 के करीब जो लोग हैं वो एक ही बरादरी के लोग रखे गए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को तरजीह दी जाती थी पहले। इससे पहले भी कई डायरेक्टर्स यहाँ पर काम करके गए हैं हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर इस हिमाचल की स्टेट में अगर इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, इंस्टीट्यूट लगा है और काफ़ी वर्षों से एनआईटी यहाँ पर स्थापित हुई है, तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें हैं। तो यहाँ के लोगों को दरकनार कर ऐसी कंडीशंस तैयार की जा रही हैं, कहते हैं कि वो कंडीशन ही फुलफिल ना कर पा रहे हैं और बाहर के लोगों को तरजीह दे के बाहर के लोगों की भर्ती की जा रही है। तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा घड़बड़ा घोटाला है। और ये जो आपने बात कही है कि ये जो एक कर्मचारी ने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ा मामला है। आखिर क्या वजहें रही हैं कि कर्मचारी को सुसाइड करने की नौबत आ गई? इस बात की जो है वो सरकार को चाहिए कि सीबीआई से जांच कराए, क्यों क्या मजबूरी हुई उस कर्मचारी की इसमें सुसाइड करने की। और जो बाहर के लोगों की भर्तियां की जा रही हैं, प्रदेश के नौजवानों के हित जो गिरवी रखे जा रहे हैं, प्रदेश के लोगों को जो है दरकिनार किया जा रहा है, ये सारा का सारा मामला जो है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन ये इंस्टीट्यूशन है, तो इसको सीबीआई को केस दिया जाना चाहिए। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ये मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है, इस मामले को गंभीरता से लें और सीबीआई से इसकी जांच कराएं ताकि लोग जो हैं जो जिनके साथ अनजस्टिस हो रहा है उनको न्याय मिल सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।